अब नॉर्मल रेजिडेंस, अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों पढ़ा गया था, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन के लिए, जो पैसे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुए वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड होंगे, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हुए वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब बात आती है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम कहती है कि अगर नॉर्मल इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन वन ईयर, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो पैसे कमाए वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, कहाँ कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखना, पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताता हूं। While estimating national income, while estimating national income, while estimating national income, we need to identify who generated the income, who generated the income. If the income was generated by residents of a country, if the income was generated by residents of a country, it will be included in national income. If the income was generated by non-residents, it will not be included in national income. So basically kya dekhna hai, who generated the income, who let the dogs out. Agar income generated by normal residents of a country included in national income, by non-residents not included. Where the income was generated is immaterial. Where the income was generated is immaterial. Where the income was generated is immaterial. While estimating national income, where the income was generated is immaterial. India के अंदर अंदर भी हो सकता है non residents ने पैसे कमाए हों, India के अंदर non residents ने पैसे कमाए, तो क्या वो Indian residents ने कमाए, तो वो India के national income का part नहीं माने जाएंगे। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें देखना है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाए कि नहीं कमाए, इंडिया के रेजिडेंट्स ने कमाए कि नहीं कमाए, कहां कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडियन रेजिडेंट्स ने चाहे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का पैसे कमाए हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर पैसे कमाए हो, वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएंगे क्योंकि इंडियन रेजिडेंट्स ने कमाए। लेकिन अगर बाहर के रेजिडेंट्स ने इंडिया में पैसे कमाए, तो चाहे वो पैसे इंडिया में तो जनरेट हुए थे, वो इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन रेजिडेंट्स ने नहीं कमाए। तो दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप डोमेस्टिक इनकम है तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात है, तो देखा जाता है कहां जनरेट हुई, वेयर इज द कीवर्ड।
जब नेशनल इनकम है तो हु जनरेटेड द इनकम, इस पे ध्यान देना. इफ द इनकम इज जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स इंक्लूडेड, इफ द इनकम इज जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स नॉट इंक्लूडेड. ध्यान से देखेंगे तो चलो मैंने आपको क्रक्स तो बता दिया क्या होने वाले, उसी को पढ़ रहे हैं. ये नॉर्मल रेजिडेंट्स होते कौन है, अभी तो ये बताया ना कि नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं तो नेशनल इनकम में उनकी इनकम आ जाएगी, नॉन रेजिडेंट्स है तो नहीं आएगी. बट ये हैं कौन, नॉर्मल रेजिडेंट्स के डेफिनेशन में कौन कौन आता है. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकता है. Who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. जिस कंट्री में आप नॉर्मली रहते हैं, जिस कंट्री में आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आप वहां के रेजिडेंट मान लिए जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो बहुत अलग चीजें हैं. आप बाहर के रेजिडेंट होके भी इंडिया के, बाहर के सिटीजन होके भी इंडिया के रेजिडेंट माने जा सकते हो फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, अगर आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है, अगर आप नॉर्मली यहाँ रेजाइड कर रहे हो. तो कह रहे कैसे पता चलेगा कि नॉर्मली रेजाइड करने का मतलब क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आएंगे अभी. तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, आप उस कंट्री के रेजिडेंट मान लिए जाओगे फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जहां पे आप नॉर्मली रेजाइड कर रहे हो और जहां पे आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. दो पॉइंट्स हो गए, जहां आप नॉर्मली रेजाइड कर रहे हो, जहां पे आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस. ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स. द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, आप यहां रह रहे हो. दूसरा, the resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. आप वहां रह रहे हो और वहीं पे ही पैसे खर्च भी करते हो, लाइफ अपनी जी भी रहे हो, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपकी वहीं हो रही हैं. Following are not included in the category of normal residents. अब ध्यान से देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली रिजाइड कहां करते हो, कैसे पता चलेगा. अब मैं गया यूएस 3 महीने की छुट्टी के लिए, 3 महीने में वहीं तो रहूंगा, चाहे मैं होटल में रहूं चाहे अपने किसी रिलेटिव के घर पर रहूं. तो 3 महीने में वहां रह रहा था तो क्या मैं नॉर्मली वहीं रिजाइड करता हूं? नो. मैं वहां पे किसी प्रोजेक्ट पे गया, 3 महीने का प्रोजेक्ट था, वहीं रहा, तो क्या मैं नॉर्मली वहीं रिसाइड करता हूँ? क्या मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां पे? कह रहे आप पैसे कमाने गए हो तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है. कह रहे नॉर्मली रिसाइड कर रहे हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दोनों कंडीशंस हैं, तो आप वहां के रेजिडेंट मान लिए जाओगे. तो ये जो नॉर्मली रिसाइड करते हैं, यहाँ पे आता है पीरियड ऑफ स्टे. क्या आता है? पीरियड ऑफ स्टे, इट शुड बी मोर देन 1 ईयर. Period of stay should be more than 1 year. अगर period of stay more than 1 year है तो आप वहां के resident मान लिए जाओगे. बात समझ आ रही है कि आप normally वहीं reside करते हो और आपका economic interest भी है, दोनों conditions fulfill होनी जरूरी है. तो अगर वो यहाँ पे 2-3 महीने के लिए किसी project में आए हैं तो क्या वो यहाँ के normal resident माने जाएंगे? No. लेकिन अगर वो यहाँ पे आए हैं non resident, बाहर के कोई US national था लेकिन यहाँ पे 2 साल से रह रहा है, किसी कंपनी में जॉब करता है, तो वो इंडियन रेजिडेंट मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, बिकॉज द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर. बिकॉज द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर. तो वेर यू नॉर्मली रिजाइड, कैसे पता चलेगा? पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर. और कंपनी के केस में इन केस ऑफ कंपनीज, कहां पे उनका हेड ऑफिस है,
वो वहां के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। तो जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ब्रांच उसकी वर्ल्ड ओवर कहीं भी हो, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? इंडिया में, तो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा वो। तो कोई भी कंपनी जहां उसका हेड ऑफिस है, जैसे हांगकांग HSBC है, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे ब्रांच है उसकी, तो वो यहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? नो, जहां हेड ऑफिस है वहां का रेजिडेंट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स, किस किस को नहीं लिया जाता नॉर्मल रेजिडेंट्स? फॉरन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट द कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी। अब स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट एक एक्सेप्शन हो गए। आप किसी कंट्री में पढ़ने गए हो, चाहे एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, आप वहां के रेजिडेंट नहीं मान लिए जाओगे, आप वहां पढ़ने गए हो। अभी आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है, सर पार्ट टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं मानी जाती, वो तो आप कर रहे हो। जब आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी तब शुरू होता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आप वहां पढ़ने गए हो या काम करने? जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने गए हो, आप अपनी नीड्स और मतलब डे टू डे लिविंग का कॉस्ट निकल जाए उसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, बट आपका मेन फोकस वो नहीं है, यस और नो? तो अगर आप पढ़ने गए हो, आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो, आप घूमने गए हो किसी भी कंट्री में, तो पीरियड ऑफ स्टे भी मैटर नहीं करता। ओके, तभी मैंने कहा दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, वेयर यू नॉर्मली रेजाइड एंड वेयर यू हैव अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज जनरेशन ऑफ लिविंग, अर्निंग और लिविंग। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। अगर यहां US एम्बेसी है, US नेशनल आया हुआ है, US काउंसिल आया हुआ है, US एम्बेसडर्स आए हुए हैं, वो यहाँ पे जितने मर्जी टाइम रह ले, वो यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट्स डू नॉट इंक्लूड क्या? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, यहाँ पे US एम्बेसी है तो उनका जो फॉरेन स्टाफ है वो इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन जो इंडियन वहां पे जॉब कर रहा है, सो US एम्बेसी तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्टी नहीं है। अरे भाई साहब, वो रहता कहाँ है इंसान? वो नॉर्मली यही रेजाइड करता है ना, यस और नो? तो जो यहाँ के लोग US एम्बेसी में काम कर रहे हैं, क्या वो इंडियन रेजिडेंट माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे, सर वो तो रोज US जाते हैं, US एम्बेसी तो नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, वो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो रेजिडेंट, जिसने पैसे कमाए, जिसकी सैलरी थी, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, क्या वो इंडियन रेजिडेंट है? हाँ वो इंडियन नेशनल है तो यही रहता है। US नेशनल यहाँ पे आया हुआ है एम्बेसी में तो फॉरेन नेशनल, उन्होंने बता दिया ना एक्सेप्शन में कि फॉरेन नेशनल्स जो यहाँ पे आके एम्बेसी में काम कर रहे हैं, फॉरेन एम्बेसी में, वो यहाँ का रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक UNO, WHO, etc. are not considered as normal residents. International organizations, UNO, WHO, तो जैसे मैंने बताया था ना कि ये तो organizations हैं, यहाँ पे उनकी building भी है, तो क्या वो domestic territory का part माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे, वो clear है। कह रहे क्या वो Indian resident माने जाएंगे? कह रहे नहीं, जहाँ उनका head office होता है ना, वो वहां के रेजिडेंट माने जाते हैं। तो जहां आपके हेडक्वार्टर्स हैं, जहां आप हेड ऑफिस हैं, वहां पे मान लिए जाते हैं। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया, जहां उनका हेडक्वार्टर है। इंप्लॉईज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। फॉर एग्जाम्पल, एन अमेरिकन वर्किंग इन UNO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। ध्यान से देखेंगे, सुनने पे ध्यान देंगे, बस खत्म होने वाला है, लास्ट 5 मिनट का टॉर्चर। कोई भी फॉरेन नेशनल यहाँ पे आके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बट मैंने क्या बताया कि अगर पीरियड ऑफ स्टे 1 साल एक्सीड कर गया,
तो भाई साहब फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंट्री के हो, हम तो इनकम एस्टिमेशन के लिए मान लेंगे कि आप यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो, तो आप फिर कहाँ काम करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पीरियड ऑफ स्टे अगर मोर देन 1 ईयर है, अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर है तो आप कौन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की जब नेशनल इनकम एस्टिमेट हो रही है तो आप इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट मान लिए जाओ। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बोला। इफ द एम्प्लॉईज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर इन सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन दे बिकम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच सच इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड। इट मींस इन द गिवन एग्जांपल, इफ द अमेरिकन इज वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये बोला मैंने आपको, अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर है तो चाहे आप एम्बेसी में हो, चाहे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप कहीं भी हो। अभी जो एम्बेसडर्स आते हैं वो विजिट्स पे आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा स्टे नहीं करते। अगर कर गए कोई भी हो, फिर तो कुछ भी हो, एम्प्लॉयज एक्सेप्शन अलग हो गई, एक्सेप्शन हो गए ना, वो तो अलग, एम्प्लॉयज की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है, चाहे किसी भी कंट्री के हो। बट अगर इंडिया में आके वो जॉब कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, अगर पीरियड ऑफ स्टे 1 साल से ज्यादा एक्सीड कर गया तो वो इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे। बाहर से एक शिप आई, वेसल आई, उसका जो स्टाफ है यहाँ पे रुकेगा 15-20 दिन, जब तक सामान अनलोड नहीं हो जाता फिर चला जाएगा। 2 महीने पे रुक गया, मर्चेंट नेवी वाले जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते रहते हैं। अगर किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रुक गए तो वो वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। थियोरेटिकली बॉर्डर वर्कर्स, आप बॉर्डर पे रहते हो, रोज नेपाल जाते हो, बॉर्डर क्रॉस करके काम करके वापस आ जाते हो, आप नॉर्मली तो इंडिया में ही रिसाइड कर रहे हो, तो बट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वहां है, पैसे तो वहां कमा रहे हो, तो आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो। कह रहे हो पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, कह रहे वो हमें क्या पता, आप जहां रह रहे हो वहीं तो आपकी लिविंग है, तो नॉर्मली, तभी तो कह रहे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द अदर कंट्री, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। वो कहाँ रह रहे हैं वहां के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। तो ये आपको बता ही दिया कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है, हमें किस पे फोकस करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस पे, हमें किस पे फोकस करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में ध्यान क्या रखना है, नॉर्मली कहाँ रहते हो तो वो पीरियड ऑफ स्टे पे होता है, 1 ईयर से ज्यादा है तो आप वहां के रेजिडेंट हो जाओगे। एक्सेप्शंस क्या है, आप पढ़ने के लिए गए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो, तो आप जहां भी हो वहां के रेजिडेंट नहीं माने जाओगे, चाहे वहां पे तो पीरियड ऑफ स्टे भी एक्सीड कर गया तो भी कोई बात नहीं। ओके, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो देखना कि हु जनरेटेड द इनकम। इफ द इनकम वॉज जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इफ द इनकम वॉज जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इंक्लूडेड। इंडियन ऑफिशियल्स हैं, अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर होता था तो नॉट इंक्लूड होता। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, इफ देयर पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर तो वो अमेरिकन रेजिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज इंडियन रेजिडेंट माने जाएंगे। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स,
इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच. अबे इंक्लूडेड, मैच देखने गए तो क्या पाकिस्तानी हो गए? वो पूछ रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन कौन आएंगे, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे कि नहीं? ये कैसे नॉर्मल है, पाकिस्तान जाके मैच देख रहे हैं? भेज दो ही. इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, क्लियर? इंडियन वर्किंग इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन वन ईयर, तो वो इंडियन रेजिडेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? लेस देन वन ईयर. इंडियन एम्प्लॉईज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन है ना ये, तो यहीं रहते हैं, नॉर्मली रेजाइड करते हैं. तो सर लेकिन WHO तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. यही तो ध्यान देना है कि जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो ये देखना है कि किसने कमाए, कहाँ कमाए, उससे फर्क नहीं पड़ता. जब आप डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो तो कहाँ कमाए उससे फर्क पड़ता है, किसने कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता. फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, ताजमहल नॉट इंक्लूडेड. इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज इंक्लूडेड, आएंगे वापस, यहीं के रेजिडेंट. तो ये कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में, कि डोमेस्टिक इनकम में आपको क्या ध्यान देना है और नेशनल इनकम में क्या ध्यान देना है. डोमेस्टिक इनकम में ध्यान देना है इफ जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडेड, इफ जनरेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड. नेशनल इनकम में क्या देखना है, इफ जनरेटेड विद इन द, इफ जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स, किसने पैसे कमाए, अगर रेजिडेंट्स ने कमाए इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉन रेजिडेंट्स ने कमाए नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कहां कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता. कोई भी डाउट? क्या करा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स?